पर जो सबसे तेज रफ्तार है वो भले ही 120 किलोमीटर प्रति घंटे की दी हो, लेकिन उससे तेज अगर आप जाएंगे तो आपका चालान कट जाएगा, और वो भी सीसीटीवी के जरिए। स्मार्ट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन फुटप्रिंट है वो जीरो रखने की कोशिश की गई है। 6 लेन का एक्सप्रेसवे है, लेकिन जो उसका कंट्रोल है वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होगा, जिसके लिए सॉफ्टवेयर जापान की मदद से विकसित किया गया है। अगर बात की जाए इस एक्सप्रेसवे की, 135 किलोमीटर लंबा है, अच्छा खासा पैसा खर्च हुआ है, ईस्टर्न साइड बन चुकी है, वेस्टर्न की तैयारी है, और यहाँ सोलर प्लांट्स देख सकते हैं। यहाँ की एक खासियत ये भी है कि जब कार्बन फुटप्रिंट को जीरो करने की बात आए तो इसका मतलब ये है कि प्रदूषण कम से कम रोड के रखरखाव में किया नहीं जाएगा। वो आप देख सकते हैं कि ऐसे ही हर थोड़ी दूर पर सोलर प्लांट लगाए गए हैं। इसी सोलर प्लांट, इस सोलर प्लेट से जगमग होगा ये पूरा एक्सप्रेसवे। अगर मेरे कैमरा में दिखा सके, एलईडी जो लाइट है वो इस्तेमाल की गई है पूरे एक्सप्रेसवे में, और जिसके लिए कोई अतिरिक्त बिजली नहीं लेनी होगी। यानी इस एक्सप्रेसवे को चलाने के लिए बिजली की जरूरत नहीं है, सोलर प्लांट्स है। ट्रिप एग्रीकल्चर की तरह से यहाँ पर सिंचाई की जाएगी, तकरीबन 1.5 लाख पेड़ लगाए जाएंगे, जिसके लिए जो पानी का इस्तेमाल होगा वो भी ग्राउंड के पानी का नहीं होगा, वो इस्तेमाल किया जाएगा जो ये रोड है, जो सड़क आपको नजर आ रही है, इसी सड़क से जो पानी बहेगा, जो रेन वाटर मैनेजमेंट कहा जाता है, रेन हार्वेस्टिंग कहा जाता है, उसके जरिए इस रोड के नीचे हर 250 मीटर के बाद टैंक लगाए गए हैं, बड़ी बड़ी टंकी लगाई गई है, जिसमें रोड पे गिरने वाली बारिश का पानी संचय किया जाएगा, जिसके बाद सिंचाई की जाएगी। यानी अगर कुल मिलाकर बात की जाए, एलईडी से जगमग होगा, एलईडी सोलर प्लांट से आएगी, सिंचाई जो होगी वो सड़क पे इकट्ठे हुए पानी से होगी, बारिश से सिंचाई होगी। तो कुल मिलाकर पहला प्रयोग यहाँ राजधानी दिल्ली के आसपास इर्द गिर्द, अगर गाजियाबाद की बात करें, गौतम बुद्ध नगर की बात करें, या बागपत की बात करें, अगर हरियाणा में फरीदाबाद की बात करें, गुड़गांव की बात करें, सोनीपत की बात करें, उनके लोगों को होने वाला है। 27% प्रदूषण की कमी, 41% ट्रकों की आवाजाही में कमी, और देश का पहला स्मार्ट एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है। बागपत से कैमरामैन अभिजीत शर्मा के साथ राहुल डबास, समाचार।